हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर अपने मैस्कुलिन के करंट थॉट्स के लिए एनर्जीज देख सकते हो, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने जैसे कि आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक बात ये बताई थी, जो आपके मैस्कुलिन का शिफ्ट बन रहा था कि ये किन्हीं डिसीजन मेकिंग्स में बने हुए थे, किन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में खुद को सेंस कर रहे थे। बट अभी जो मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हूँ, ये शिफ्ट कुछ ऐसे इस वे में प्रोसीड हो रहा है गाइस। ये इनकी थॉट्स हैं, मतलब ये बहुत कुछ सोच रहे हैं यहाँ पर, और ये ऐसी बातें सोच रहे हैं कि ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आने के लिए भी रेडी हैं। दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, और अब इनको एक एनकरेजमेंट भी है, मोटिवेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ इनके पास एक समझ लो प्लान रेडी है। लेकिन दो तरह की जो सिचुएशंस हैं जो हम आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस कर रहे थे, वो एक्चुअली ये दो सिचुएशन ये आपके तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब ये डिसीजन मेकिंग ये आपके तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपको किन ही ऐसी सिचुएशंस में डालना चाहते हैं जहां पर आप इनको जवाब दे सकें कि आइदर आपका डिसीजन ये है या वो है। मतलब नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके मैस्कुलिन जो भी वहाँ पर डिसीजन मेकिंग सोच रहे थे, एक्चुअली इट वॉज नॉट फॉर देम, इट वॉज फॉर यू। ये आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हो सकता है आपको एक चॉइस मिलेगी और उस चॉइस में से आप जो भी डिसीजन लोगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्शन आगे प्रोसीड होगा, या फिर यहाँ पर जो भी एक बात आगे बढ़ेगी वो आप ही के डिसीजन के बेसिस पर बढ़ेगी। ओके तो ज़रूर आपके पर्सन आपको लेकर एक क्लैरिटी में तो आ गए हैं, दे नो कि इनको अपने एंड से क्या करना है, और इनकी कुछ प्लानिंग ऐसी होगी गाइस कि एक समझ लो इन्होंने फाउंडेशन रेडी कर दिया है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ लिटरल ऑब्स्टिकल्स थे, जैसे कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, इनकी फैमिली या फिर कोई अगर डिस्टेंस की भी प्रॉब्लम है, आप दोनों अगर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो, तो वहाँ पर इन्होंने एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें अपने एंड पर सही कर ली होंगी, एक प्लानिंग के साथ ये बने हुए होंगे। अब यहाँ पर जो मैं सिचुएशनशिप देख रही हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि ये आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं जहाँ पर आप एक डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में डाले जाओगे। तो मे बी हो सकता है गाइस ये कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। इन एनर्जीज से मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कोई ऐसी बात होगी आप दोनों के बीच में जो एक सोसाइटी बेस्ड या फिर कम्युनिटी बेस्ड, बहुत सारे लोगों के लिए रिलीजियस बेस्ड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि अभी भी वहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग्स लगते हैं या फिर कुछ अभी भी वहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व करनी बनती हैं। इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए भी ईजी नहीं होगा। और एक बात, एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है बहुत लोगों के लिए, इट्स अ फैमिली थिंग, फैमिली या रिलेटिव्स, कहीं ऐसी बात ज़रूर होगी आप दोनों ही के बीच में, आइदर इनकी फैमिली एग्रीड नहीं है या फिर आपकी फैमिली एग्रीड नहीं होगी किसी बात को लेकर। तो इनके हिसाब से इन्होंने कोई रास्ता तलाश कर लिया है, लेकिन इनको ये बात पता नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर से चीज़ के लिए रेडी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और हो सकता है इन्हीं सारी बातों को ये आपकी तरफ एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ वॉट दे आर थिंकिंग, और मुझे आपके पर्सन की वाइब्स कुछ ऐसी ही नज़र आ रही हैं जो कि बहुत क्लियर है एनर्जीज़ के साथ। अब देखते हैं कि ये ऐसी क्या सिचुएशनशिप आपको देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द टावर, नाइन ऑफ कॉइन्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। आपके पर्सन हो सकता है दोबारा से आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं। ट्रिगर का मतलब ऐसा हो सकता है ये आपको चौंका देंगे, मतलब आपने ऐसा नहीं सोचा था, या आइदर ऐसा कुछ डिसीजन मेकिंग आपके पास छोड़ देंगे कि आपको आइदर ये करना है या वो करना है। ये आपकी टेस्टिंग भी हो सकती है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ पास्ट इवेंट्स में कुछ ऐसा हुआ होगा जहां से अब इनके अंदर वो दोबारा से एक कॉन्फिडेंस या फिर एक भरोसा आपकी तरफ बनाना शायद मुश्किल होगा, और किन्हीं लोगों को प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इनको किसी और ने चैलेंज किया है आपके लिए, तो ये उन लोगों को शायद दिखाना चाहते होंगे कि इनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कितने ट्रू हैं इनके तरफ और इनके लिए कितने अनकंडीशनल हैं। ये शायद उन लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे जो आपके लिए हो सकता है एक काइंड ऑफ अ ट्रिगर है या फिर एक सडन शिफ्ट है आपके लिए। आप चौंकने वाले हो, एक कह सकते हैं ना, आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं हो, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। जो ये आपको दो चॉइसेस देंगे, एक चॉइस ये हो सकती है गाइस कि इस सेपरेशन को आप दूर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर नाइन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, या फिर आपको इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ सकता है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये बातें मैच कर रही होंगी, क्योंकि आज की जो एनर्जी पिक हुई है यही पिक हुई है कि आपको इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब वो क्या छोड़ना पड़ेगा आपको बेटर पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की सिचुएशन है। बट जो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ आपको छोड़नी पड़ सकती है जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये करियर ऑप्शन हो सकता है, या फिर कोई प्लेस हो सकता है जहाँ पर ऑलरेडी आपने कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली बिल्ट किया हुआ है, अपनी मेहनत से आपने कुछ बनाया है। अब आपके पर्सन आपकी तरफ शायद कोई ऐसी सिचुएशन रखने वाले हैं कि आइदर आपको वो सब कुछ छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा इनके पास, या फिर आपको शायद इंतज़ार करना पड़ेगा और एक डिले, मतलब एक सेपरेशन फिर से दोबारा से आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। मतलब ये आएंगे, कम बैक करेंगे, आपसे कुछ डिस्कशन में आएंगे, ये अपनी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, अपनी बातें आपके सामने रखेंगे और कहेंगे कि ये दो सिचुएशन आपके सामने रखी गई हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिचुएशन चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी अगला मूव है, अगला एक्शन है, हम उस वे में प्रोसीड करेंगे। मतलब एक डील है ये। यहाँ पर आइदर आपकी टेस्टिंग भी हो सकती है गाइस, या आपको शायद परखना चाहते हैं। उन दोनों सिचुएशंस में से एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको किसी चीज़ को छोड़कर इनकी तरफ एक यूनियन में आना हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप अपनी किसी चीज़ को अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा से एक सेपरेशन आ सकता है। तो ये मैं चीज़ें ग्रैप कर रही हूँ। तो कहने का ये मतलब है आपके पर्सन एक क्लैरिटी में आना चाहते हैं आपके साथ, ये और कुछ हिडन नहीं रख सकते। इनके मन में जो है, इनके दिमाग में जो भी कुछ है, ये आपसे क्लियर वे में डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपको आगे चलकर कुछ दोबारा से एक डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ये जो भी कर रहे हैं गाइस, ये जो भी सोच रहे हैं, ये पास्ट के एनर्जीज को मद्देनजर रखते हुए ही सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, आप दोनों ही से मिस्टेक्स हुए हैं। अब ये उन मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए इनका हर एक एक मूव अब यहाँ पर काउंट होगा। मतलब हर चीज़ ये सोच सोच कर करेंगे और ये अब कुछ भी मिस्टेक नहीं करना चाहते। आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से एक सेपरेशन आई थी, उसके बाद से इनकी भी लाइफ बदल गई होगी गाइस, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पेन झेले होंगे, और कम्युनिटी वाइज इनको काफ़ी सारी बातें सुननी पड़ी होंगी। मतलब एक टाउंटिंग वे में या फिर कमेंटिंग वे में लोगों ने इन्हें काफ़ी बातें सुनाई होंगी। इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली है तो फैमिली वालों ने इन्हें काफ़ी कुछ सुनाया होगा, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई लाइक अदर पर्सन है, जैसे कि एक लिटरल कमिटमेंट में जो पर्सन इनके साथ बने हुए थे, वो उन्होंने शायद इनको बहुत कुछ सुना दिया होगा कि आपके पर्सन आपके लिए इन्हें छोड़ रहे थे। तो इन्हें कुछ प्रूफ करना है किसी के आगे, तो वो प्रूफ करने के चक्कर में हो सकता है ये आपकी तरफ कुछ शॉकिंग वे में डिसीजन मेकिंग डाल सकते हैं। तो यही एनर्जीज ग्रैब हुई हैं, आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, आप लोगों को भी क्लैरिटी में आना होगा गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है ना, तो आपको यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन जब भी कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो यू गाइस हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल देयर। ओके, तो अब देखते हैं इन्हीं एनर्जीज के साथ आपके पर्सन आपको लेकर 3D लेवल पर इनकी क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, यही जानते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून,
द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सभी मेजर अरकानाज हैं सिवाय पेज ऑफ सोर्ड्स के। तो इट मीन्स दैट कि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपको लेकर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको पता है कि आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है वो एक ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर ऑन एंड ऑफ भी हुआ है, काफ़ी टाइम से अगर ऑन एंड ऑफ हुआ है, तो इनको एक बात ज़रूर पता है गाइस कि ये जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है ये कभी एंड नहीं हो सकता। भले ही यहाँ पर साइकिल बाय साइकिल चेंजेस आते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आप दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, कोई आपको जुदा कर नहीं सकता। फाइन। और द लवर्स वाली एनर्जीज आपको सभी को पता ही है कि इट इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप दोनों के बीच में कई सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, जैसे कि कोई यिन होगा कोई यांग होगा, एक पर्सन यहाँ पर फायर है दूसरा पर्सन वाटर है, तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफर करते हो गाइस। मतलब बिल्कुल ही समझ लो एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ऑफकोर्स वो कहते हैं ना कि जो अपोजिट होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, तो आप लोगों के बीच में ऐसा ही कोई कनेक्शन होगा जो कि आप ही सोचते रह जाते होंगे, जैसे कि ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना अपोजिट पर्सन मुझे कैसे पसंद आ सकता है, ये भी ऐसा सोचते हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा अलग होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, इवन अगर कल्चर वाइज भी देखा जाए इनका कल्चर अलग होगा आपका कल्चर अलग होगा, लेकिन फिर भी जो वो एक अट्रैक्शन है और जो वो एक पुल है मैग्नेटिक पुल, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दे आर रियली बीइंग मिस्टीरियस अबाउट दैट, और ये हर बार जानने की कोशिश करते हैं कहीं आप जादू वादू तो नहीं कर देते इनके ऊपर, मतलब दे आर लिटरली थिंकिंग इन दैट वे। ये आपको एक हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं, इनको लगता होगा कहीं आप एक जादूगरनी या जादूगर की तरह इन पर जादू तो नहीं चला देते, जिसके वजह से हर बार आपकी तरफ खींचे चले आते रहते हैं। तो इनकी फीलिंग्स अभी ये ऐसी ही मुझे नजर आ रही हैं गाइस, दे आर लिटरली गेटिंग कैरिड अवे, आपकी तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं इनको समझ में नहीं आ रही कि एक ऐसा अट्रैक्शन ये फील कर रहे होंगे आपकी तरफ। तो आपके साथ एक यूनियन में आने के बाद ही इनका वो मैग्नेटिक पुल शांत हो सकता है, इनको सुकून तभी मिल सकता है, वरना ये इसी वे में डिस्टर्ब्ड रहेंगे और क्यूरियस रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, इनको कुछ और करने का मन नहीं कर रहा होगा, कहीं और ये ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली आप ही इनको बुला रहे हो अपनी तरफ, एक जस्ट लाइक अ मैजिशियन यू नो। तो दे आर लुकिंग एट यू एज अ मैजिशियन, या फिर एक सस्पिशियस या एक मिस्टीरियस एनर्जीज में आपको सेंस कर रहे हैं। यू आर जस्ट बीइंग द हाई प्रिस्टेस फॉर देम, यानी कि समथिंग हु इज मिस्टीरियस, जो इनको समझ में नहीं आ रही हैं, कोई पजल कोई मैजिशियन, कुछ तो जादू हो रहा है और ये जादू क्यों हो रहा है मुझ पर, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में ये शायद खुद को फील कर रहे होंगे, सेंस कर रहे होंगे, अपने आप में ये कंट्रोल नहीं बना पा रहे, और यही वजह है गाइस कि ये अब सोच रहे हैं कुछ प्लानिंग या एक स्ट्रैटेजी में बने हुए हैं, कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, किसी को प्रूफ भी करना चाहते हैं आपके बारे में, आपके अनकंडीशनैलिटी के बारे में, और शायद हो सकता है ये अपने आप को भी प्रूफ करना चाहते होंगे। अगर इनको कुछ डाउट है आपको लेकर, अगर आप इनके लिए एक मिस्ट्री बने हुए हो, तो ये देखना चाहते हैं कि ये प्यार जो आपका इन्हें बुला रहा है वो कितना सच्चा है, या फिर पास्ट इवेंट्स में जो भी गलतियां हुई हैं क्या वो दोबारा से रिपीट होने वाली हैं, दोबारा से चीज़ें वापस स्टैग्नेशन में तो नहीं चली जाएंगी। इनके दिमाग में अभी राइट नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे गाइस, क्योंकि इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं कि दे आर थिंकिंग अ लॉट। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स यहाँ पर एक जेमिनाई या फिर एयर साइन से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि मुझे वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो एक हिंट मैं आपको ये भी दे रही हूँ, अगर आपके मैस्कुलिन एयर साइन से बिलोंग करते हैं तो ये उनकी एनर्जी पिक हुई है आज, मे बी दे आर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। एंड जितने भी एयर साइन के लोग होते हैं गाइस, दे आर रियली वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इन लोगों के माइंड्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। अगर ये जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस नहीं भी हैं, तब भी इनके चार्ट में आज ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, मतलब
या अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रहे हैं, जस्ट लाइक द एयर साइंस। और जितने भी एयर साइंस के लोग होते हैं वो अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में बने रहते हैं, ये खुद को बहुत जल्द शांत नहीं कर पाते। इनका माइंड इतना फास्ट चल रहा होता है ना कि एक ऑप्शन को इन्होंने जब आंसर कर दिया तो दूसरा ऑप्शन पॉपअप हो जाता है, दूसरा थॉट इनके माइंड में आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे ही थॉट बाय थॉट ये सोचते जाते हैं। तो मे बी इनकी एनर्जीज ऐसे ही शायद थॉट बाय थॉट बनती जा रही है, दैट इज़ वाई दे आर रेस्टलेस। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ गाइस कि आपके ये जो पर्सन हैं ये आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, ये अपनी उस सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जिस वजह से हो सकता है ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी आपकी तरफ शायद सेंस कर पा रहे होंगे। तो ये जो सिचुएशन इनकी बनी हुई है फाइनली इनको कहाँ लेकर जाएगी देखते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इट मीन्स दैट इट इज़ क्वाइट क्लियर आपके पर्सन की जो सीरियसनेस है वो बढ़ती जा रही है। मतलब इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर जितना ये सोचेंगे, मैंने आपको बताया कि ये जो भी लोग हैं, ये आज की जो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, इन लोगों की जो थिंकिंग है ये काफ़ी सारे वेज में बनी हुई है। इन्होंने खुद को भी ऑप्शंस दे रखे हैं, हो सकता है आपके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। मतलब एस ऑफ कप्स यानी कि कमिटमेंट, इस कनेक्शन को दोबारा से चांस देने के लिए ये काफ़ी सारे यहाँ पर गेम्स खेलेंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ गाइस, ये जो भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं ये तभी सीरियस होते हैं जब इनको कुछ रियल में करना होता है। ये बिल्कुल भी ड्रामेबाजी पर बिलीव नहीं करते, मतलब ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, इनको बिल्कुल भी चीज़ें एक फेक वे में करना या फिर अपना टाइम वेस्ट करना, टाइम बर्बाद करना, ये ऐसे पर्सन ही नहीं होंगे। ये जो भी करते हैं स्ट्रेटली करते हैं, प्रैक्टिकल वे में करते हैं, और जब सीरियस होते हैं तभी इतना ध्यान लगाते हैं, वरना इनको कुछ नहीं पड़ी होती और ये कुछ भी नहीं सोचते अगर इनको उस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन में वर्क नहीं करना होगा तो। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर जो पिक कर पा रही हूँ, ये अपने पैशन को चैनलाइज कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल से डायरेक्शन में, एंड बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखा रहे होंगे इस पर्टिकुलर से पाथ पर, जहाँ पर ये आपके साथ सच में एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। मतलब देर इज़ नो ड्रामा, देर इज़ नो फेकनेस, सच में रियल में एक कमिटमेंट में आपके साथ आना चाहते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होंगे और इतना ज़्यादा सोच भी रहे होंगे। तो आज का ये जो शिफ्ट था, जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स का शिफ्ट था और उनसे बिलोंग करने वाली जो भी फेमिनिन्स हैं, वो एक बात जान लें गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपको दोबारा से ट्रिक करने वाले हैं, आपको सिचुएशनशिप में डालने वाले हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशनशिप से कैसे जीतते हो, क्योंकि ज़रूर आपके पर्सन दोबारा से खेल जाएंगे यहाँ पर, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे, आपका प्यार टेस्ट करेंगे, मतलब आपका वो अनकंडीशनल लव टेस्ट करेंगे, या फिर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ सकता है। बट ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच कर जाए, कुछ लोगों के लिए आज का शिफ्ट मैच कर सकता है गाइस, बाकी अदर लोगों के लिए हो सकता है आज आप लोगों के लिए एनर्जी शायद पिक नहीं हुई होंगी, मे बी फॉर टुमारो यू गाइस हैव टू वेट। ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।